हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो कल हमें अचानक से जाना पड़ गया था, इसीलिए मैंने ब्लॉग थोड़ा ही बनाया था। जाना ज़रूरी था इसलिए फटाफट से मैंने बस बनाया और हम चले गए। तो ये आज मैं दिखा रही हूँ आपको, इस जो हमने सेटिंग की थी, चेंज कर दिया था सोफ़ा वगैरह कैसे किया था। तो ऐसे हमने इसको सेट कर दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कभी ऐसे कर देते हैं कभी ऐसे कर देते हैं सेट, तो बने रहना ऐसे ही प्यार देते रहना। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और लोग देखता है दिल से उनको थैंक यू, जो नहीं देखता उनको भी दिल से थैंक यू, पर देखा करो प्लीज, सब्सक्राइब कर देना। सपना सिर्फ लोग है हमारा, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और अगर क्योंकि व्लॉग कभी कभी आता है ना तो पता नहीं चलता, कभी कभी व्लॉग आता है इसलिए नोटिफिकेशन आएगी जब आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। यहाँ बन गई है चाय, 4 बजे हैं। मम्मी कहते हैं आज थोड़ा जल्दी भी बना ले चाय, तो मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं। खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट कर ली थी, मैं चाय डाल दूँ फिर देखते हैं। ये वाली लेते हैं चाय, पहले मैंने इनको बना के दिया एक कप, ये फिक्की, इनको फिक्की देनी होती है ना, इनकी पहले बना देती हूँ मैं, क्योंकि इनको भी चाय नहीं देती, दूध में पत्ती डाल देती हूँ, क्योंकि जब से थोड़ा सा ये शुगर इनकी बड़ी है ना, तो मेरे को ना इतना ही फिकर सा हो गया था, तो मैं इनको ना वही दे देती हूँ दूध में पत्ती और शुगर फ्री। ओ सारी चाय नीचे गिर गई, देखना शुगर फ्री गोली होती है ना वो डाल देते हैं एक। देखो शुगर वैसे कहने के लिए ना कहते हैं ना कि इतनी बड़ी भी बीमारी नहीं है, अगर बंदा वो रखे ना परहेज तो कोई बीमारी नहीं है, बंदा परहेज ना रखे ना तो इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। मैंने तो बने ना बच्चों को शुरू से आदत डाल दी है कि फिक्की चाय की, मतलब फिक्की चाय पीने की, क्योंकि ना देखो हमारे ना, मैं तो मेरे दादी सास को मेरे मतलब इनको बहुत मतलब शुगर थी, तो ना मेरे को डर से ना मैंने बच्चों को ना मैंने मिठाई बचपन से ही मतलब मैं ना इनको मीठा देती ही हूँ, दूध भी फीका। अब आदत वैसे ही पड़ गई है इनको, तो बच्चे अब फीके ही चाय वगैरह फीकी चाय। गाइस मैं आटा गूंद रही हूँ, बर्तन मैंने कर लिए हैं, टाइम हो गया 10 बज गए हैं और बस आटा गूंद लेती हूँ फिर फुलके बनाऊंगी। आज लेट हो गए, आज ना बस अब लोग देखते रहना, बस लेट हो गया, हम बता ही देती हूँ मेरे ना चाची सास है मेरे वो बहुत बीमार थे, मतलब बहुत टाइम तो नहीं कह सकती 15-20 दिन से ही बीमार थे, तो उनको शुगर थी, तो ना मतलब 15 दिन ही हुए थे बीमार को, तो आज ना उनकी डेथ हो गई है, तो इस वजह से हम लेट हो गए। तो उधर गए थे तो वहाँ से आए तो बस इसीलिए लेट हो गए, तो 10 बजे आज मैं खाना बना रही, तो ऐसे ही प्यार देते रहना साथ देते रहना। ये कौन आई है हमारे घर पे? बात कर रहे हैं जा रहे ये ये काट दे हाथ पे स्कार्फ। गुड मॉर्निंग बोल दो, आप उठ गए हो ना अभी? गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, लाइक कर दो और लाइक शेयर बोलो, लाइक कर दो और भी लाइक शेयर उधर देख के, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और लाइक करके फिर मैं आऊंगी केक कट करूंगी। हां फिर मैं आऊंगी केक कट करूंगी, ठीक है। नन्नी का बर्थडे आएगा ना फिर हम केक कट करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। नन्नी का 4 का सपना कर दे, पर ठीक है कर दे, फिर आएंगे कर देते हैं सीना आएगा ना वो
बुआ चले गए हैं अपने घर, मैं बना रही हूँ खाना। खाना भी सुबह का लेट हो गया बहुत, क्योंकि उनको भेजा था पहले मैंने, फिर मैंने बच्चों को दिया। उठ तो जाते हैं जल्दी बच्चे, पर लेटते रहते हैं। मैं बोलती रहती जाओ ब्रश कर लो ब्रश कर लो ब्रश कर लो, 11:30 ही बजा देती हैं, क्या करूँ मैं। फिर जब उठेंगे तभी मिलना खाना, तो बना लूँ परांठी। खाने पे मिलते हैं आपसे, खाने पे मिलेंगे। बस मेरी परांठी रह गई, सबको खिला दिया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और बुआ जी चले गए हैं, उनको खाना वगैरह खिला के मैंने भेज दिया था, जाना था उनको, चले गए थे वो। और फिर मैंने बनाया खाना वगैरह, बच्चों को खिलाया। उठते लेट हैं और फिर खाना भी लेट ही खाते हैं। अब हो रहे हैं सबके पेट ख़राब हो पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं गर्मी है, पता नहीं गर्मी से हो गया, मुझे लग रहा है गर्मी से हो गया। तो मैंने सबके लिए बनाई है थोड़ी थोड़ी खिचड़ी। मम्मी कहते खिचड़ी बना लो। अच्छा, रिशु का नहीं हुआ? रिशु कह रहा मेरा नहीं हुआ, तो रिशु का नहीं हुआ तो हम सब का ही। वैसे मेरा भी नहीं है, वैसे थोड़ा थोड़ा दर्द सा हो जाता है पेट में, मेरा नहीं। तो मैंने कहा चलो हम भी खा लेंगे खिचड़ी थोड़ी थोड़ी। गर्मियों में ना जितना हल्का खाना खाओ ना ठीक है। तो सुबह तो परौंठी एक एक ही खाई थी और बच्चों ने खा ली थी दो दो, तो अब मैंने हल्की सी खिचड़ी बनाई है। मम्मी लहसुन कर रहे हैं, चलो बैठे हैं मम्मी। हेलो, गर्मी पर ध्यान रखो अपना, सब ध्यान रखो, गर्मी से अपना ठीक रहो, स्वस्थ रहो। और रिशु आज पढ़ रहा है? आज नहीं, रोज पढ़ता। ये होमवर्क कर रहा है अपनी छुट्टियों का? छुट्टी का होमवर्क कर रहा है, छुट्टी खत्म होने वाली है, और फिर भी होमवर्क अब स्टार्ट कर रहा था, थोड़ा सा रह गया, खत्म करके स्कूल की दो दिन की छुट्टी मार के फिर जाऊंगा। देख लो, अभी भी छुट्टियां कम है बच्चों के लिए, इतना अभी भी दो दिन की छुट्टी नहीं थी। उस दिन तो बच्चे वैसे भी जाते नहीं जिस दिन स्कूल खुलता, आपको सबको ही पता है। तो कहता और दो दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेके फिर मैं काम करके फिर मैं जाऊँगा। देखो ना, इतनी छुट्टियां भी बच्चों के लिए कम है। तो बस देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो गाइज यहाँ पे खिचड़ी हो गई है तैयार, देखो। और जो खिचड़ी में जो तड़का लगाते हैं ना, जो उसका तड़के की जो खुशबू है, हाय 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 क्या बात है, इतनी अच्छी लगती है ना मेरे को। मैं तो ना गैस बंद कर देती हूँ, पता क्यों, कई बार ना इसमें आग लग जाती है, और मुझे तो इतना डर लगता है ना कि बस पूछो ही मत। बस हो गया, रेड रेड सा कर लो, गैस करो बंद और इसको डाल दो। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है भाई क्या बात है, आ गया ना स्वाद। अब मैं डाल देती खिचड़ी, मम्मी कहते थोड़ी सी खानी है। लो जी, थोड़ा गिरता बहुत है मेरे से खाना ना। लो जी, ये है मम्मी के लिए खिचड़ी। रिशु कहता मैंने खानी नहीं है, तो हम ले लेते हैं थोड़ी सी। लो जी, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार। लो मम्मी, मम्मा खा रहे हैं खिचड़ी। और अब यहीं पे हम करते हैं वीडियो का एंड। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो वीडियो में अच्छा पार्ट लगा उसको कमेंट कीजिएगा। बाय।